इस साल कारगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती है और हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे फॉर्मेशन का हिमालयन ब्रिगेड जो है उसने 25 वर्ष पहले इस लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो आज ये जो फंक्शन आपने देखा जिसमें कई वॉर वेटरन्स को सम्मानित किया गया, ये उसी युद्ध की याद में ये फंक्शन आज ऑर्गेनाइज किया गया। सर, हाउ इज द सिचुएशन ऑन बॉर्डर्स एज द असेंबली इलेक्शंस आर लाइक टू बी अनाउंस्ड फॉर्मली? द सिचुएशन ऑन द बॉर्डर्स इज स्टेबल। सर, J&K DGP के मुताबिक 80 फॉरेन टेररिस्ट जो है वैली में मौजूद है, तो किस तरह सेना की तरफ से इन पर प्रहार किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक नंबर्स का ख्याल है या नंबर्स का सवाल है, DGP साहब ने बोला है तो वो तो एक फैक्ट है। और किस तरह से इनके खिलाफ सारी सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी कार्रवाई करेंगी, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं कि ऑपरेशंस किस प्रकार से प्रोसिक्यूट किए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो सिक्योरिटी एजेंसी ज़रूर करेंगी। सर, साउथ कश्मीर एक ऑपरेशन जो होता है कामयाब, वो एक बड़ी कामयाबी होती है। और जैसे कि मैंने बताया, वो एक स्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए एवरी सक्सेसफुल ऑपरेशन इज़ अ प्रोग्रेस अहेड।